अभी देख रहे हो आप जो ये जाम लगा हुआ है ना, ये जो हम टोल क्रॉस कर रहे हैं अंदर से, एक ट्रॉली की वजह से लगा हुआ है क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। अब ये सिंगल रोड है तो इसको ओवरटेक करना ही बड़ा मुश्किल है क्योंकि उधर से भी बहुत बहुत लोग आ रहे हैं जो टोल बचाना चाहते हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा। देखिए सामने ट्रॉली दिख रही है, अब इसको धीरे धीरे ओवरटेक किया, सड़क ही ख़त्म होने वाली है। ये पानी देखिए, पानी पता नहीं कहाँ से आया हुआ है यहाँ पे। हमारे शंकर भगवान जी बैठ रहे थे दिन धूप में। देखिए ट्रॉली रुक गई है, अभी हमने इसको ओवरटेक कर लिया है। यहाँ से निकलते हैं सीधा, आज लेट भी हो गए थोड़ा सा, टाइम से टाइम को पहुँचना था हमें 10 बजे के आसपास, लेट हो गए आज। रोड की हालत बहुत खराब है भाई। ये देखिए नई प्रॉपर्टी कट रही है, फ्लैट वगैरह बुकिंग अमाउंट ही इतना होता है कि आदमी क्या करेगा। ये फ्लैट देखिए सबसे कॉस्टली फ्लैट है, यहाँ की सोसाइटी है अलग है। इनमें भी इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, RW के। कौन प्रेसिडेंट बन रहा है देख रेख करते हैं वो लोग, फिर वहाँ पे एक स्टेट मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर, टेक्नीशियन वगैरह हायर करते हैं, गार्डनिंग के हैं, वर्टिकल्चर, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है। और फिर कुछ कंपनियाँ हैं जो इस फैसिलिटी मैनेजमेंट का काम देखती हैं, वो अपने बंदे यहाँ पे हायर करती है। ये देखिए सामने जो हमारे को दिखाई दे रहा है, ये हाईवे दिखाई दे रहा है, ये हाईवे पे दोबारा चढ़ गए हम लोग जयपुर हाईवे पे। ये देखिए जयपुर हाईवे, अब इस बार हाईवे पे चढ़ गए तो सीधा हम लोग बावली उतरेंगे, लेकिन रास्ते में क्या क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। अभी लास्ट 6 मंथ पहले मैं गया था जयपुर, वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो देख रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं। एक गाड़ी पंचर हो गई है, पंचर से याद है आप गाड़ी में एक पंचर किट भी रखी है, पिन और पंप इमरजेंसी में काम आता है भाई। देखिए अभी ये भी रोड पहले बहुत ख़राब थी, अब रोड सही बना दी है ये। देखिए बिल्कुल रॉन्ग साइड से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, ये कैसा चक्कर है भाई, अलग ही चक्कर है ये, पता नहीं भाई। ट्रक को देखिए बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा रखा है, इतने कपड़े फिल्टर ये लगा रखे हैं ना, ये ज़रूर राजस्थान का ड्राइवर होगा या राजस्थान का ही ट्रक होगा ये, RJ R332 GC5932। ठीक है, अच्छा भी लगता है देखने में भैया। तो ये देखिए आगे अक्सर हम लोग जयपुर हाईवे पे, अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीधा जयपुर 22 समथिंग होगा यहाँ से। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी आप मानेसर क्रॉस करते हैं ना, आएगा तो मैं माने बताता हूँ मानेसर आपको। सर से पहले एक कंपनी है परफेक्टी जो चिंगम बनाती है, अगर आप यहाँ से गुजरोगे तो आपको उसका फ्लेवर का टेस्ट भी आएगा, ऑन द हाईवे पे ही।
बहुत अच्छी खुशबू आती है, जैसे कि आप सेंटर फ्रेश खा रहे हैं। इसके मेरे ख्याल 3 या 4 प्लांट हैं, एक यहाँ पे है, एक साउथ में है, और आइडिया नहीं, लेकिन है 3-4 प्लांट। बड़ी प्यारी खुशबू आ रही थी। ये देखिए हम आ गए मानेसर के पुल पे। ये IMT मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ मैंने नौकरी भी करी है 5 साल। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे यहीं से ही ब्रेक मिला था और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ये देखिए राइट साइड में है, और ये देखिए ये हमने पुल पार कर लिया। तो ट्रैफिक पुलिस देखिए कहाँ घूम रही है पैदल ही धूप में। ये सामने देखिए पहाड़ी एरिया है, जैसे हरिद्वार वगैरह में है, लेकिन ये पहाड़ वो है जिंदा पहाड़ जिसमें से पानी निकलता है। ये अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली यहाँ से लेके जयपुर तक कनेक्ट है आपस में, थोड़ी थोड़ी जगह पे हैं ये, लेकिन अब तो लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं ऊपर घर बना के। ये पूरा मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है, आज थोड़ा भीड़ कम है। चलते हैं पार करते हैं इसको, और यहीं पे ही आपका NSG कमांडो भी है। ये हम मानेसर का पुल पार कर गए हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाला था, थोड़ा गाड़ी को स्लो ही चलाइएगा क्योंकि यहाँ पे मैनुअली कैमरे लगे होते हैं जो आपकी स्पीड को मॉनिटरिंग करेंगे, और ज़्यादा होगी तो उससे 100 मीटर 200 मीटर के दूर पे ट्रैफिक पुलिस रहती है, पूरा ग्रुप रहता है जो आपका चालान काट देगा। तो मैक्सिमम स्पीड में ना चलाएं, नॉर्मल स्पीड पे चलाएं। अभी देखते हैं कहीं है या नहीं है, पुल पार करके अभी देखते हैं हम भी स्पीड अपनी। ये मानेसर से करीब 300 मीटर दूर पे एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, यहाँ पे आप 3 साल का कोर्स है कर सकते हैं। ये देखिए सामने ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, यहाँ पे 3 साल का कोर्स है कर सकते हैं इसको आप। कौन सा पॉलिटेक्निक का नाम देखते हैं एक बार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मानेसर। काफ़ी अच्छा कर दिया, हॉस्टल वगैरह सारा फैसिलिटी है यहाँ पे। तो अभी ध्यान रखिएगा, इस टाइम अभी गाड़ी को स्लो कर लीजिएगा जब आप पॉलिटेक्निक पार करें तो, क्योंकि यहाँ पर कैमरे वगैरह होते हैं। पिछली बार तो मैं गया था तो काफ़ी स्पीड गाड़ी थी, बच गया या लोड ज़्यादा था पता नहीं, लेकिन इस बार मैंने भी 60 की स्पीड चला रखी है। आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो भी स्पीड लिमिट दे रखी है उस रेंज में ही चलाए। तो अभी देख रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं है, हमारी स्पीड 70 हो गई थी, मैंने दोबारा 60 कर ली है, नहीं तो चलान कट जाएगा, भारी भारी भरकम चलान कटेगा, दिक्कत हो जाएगी। अभी भी स्लो चल रहे हैं भाई, पानी की प्यास लगी थोड़ा पानी पी लेते हैं, ये तो चलता ही रहेगा। जो भी गाड़ी की स्पीड 60 ही है, पानी की बोतल गिर गई उधर यार गाड़ी में। तो अभी हम लोग पार कर गए, अभी कोई ट्रैफिक को मतलब वो दिखाई नहीं दिया हमारे को, जा के अभी तक तो नहीं है कुछ भी यहाँ पे, आगे देखते हैं। स्लो है हमारी गाड़ी की स्पीड है 60 पे, और ये सामने देखिए आप,
आगरा, धारवाड़ा, पलवल, तावड़ू, सोहना। अगर आप यहाँ से लेफ़्ट होते हैं तो आपको आगरा तावड़ू वाला, आपको तावड़ू आगरा इधर से आप मतलब पलवल चले जाएंगे और पलवल से आपको फरीदाबाद से वाला जो दिल्ली से हाईवे आ रहा है आगरा वाला उस पर चढ़ जाएंगे। सामने है, हमने तो गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, गाड़ी स्पीड ले ली हमने 80। थोड़ा लेट हो गए हैं, जल्दी चलते हैं, मेरे ख्याल 10 बज गए हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए बिलासपुर, गुड़गांव से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे भी पहले टोल था, स्टार्टिंग में हटा दिया टोल को, टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था। सड़क इतनी ख़राब है,
अभी देखिए हम लोग पहुँचने वाले धारवाड़ा। यहाँ पे नींद आ रही है भाई, बहुत तेज नींद आ रही है। गाड़ी चलाने में रात को ढंग से सोए नहीं है इसलिए नींद आ रही है। देखिए सामने कितना प्यारा दृश्य है, ऐड भी लगी हुई है यहाँ पे। इनको तो सारे वो ABC पता ना, पैसे दो किसी की भी ऐड करने लग जाएंगे बस। एक और नमूना, हाईवे पे आपको अलग अलग नमूने मिल जाएंगे ऐड करते हुए। कुछ बंदों को तो मैंने ऐसे ऐड करते हुए देखे हैं हीरो को, जो खुद तो नकली तेल कर रहे हैं, नकली बाल लगा के आए हुए हैं, है ना, और ऐड करेंगे कि भाई ये इससे बाल झड़ेंगे नहीं, मजबूत रहेंगे। चले तुम अपना तो करा नहीं पाए हो, दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हो दुनिया में, हैं। एक तो मैंने ढाबे की ऐड देखी भाई, उस पर लिखा था कि एक बार ज़रूर आना, उस पर ऐसा खाना था कि बस एक ही बार आदमी जा सकता, सिर्फ ऐसा खाना तो कौन बनाएगा बताओ। नींद सी आ रही है बहुत ज़्यादा, बोर हो गए जैसे गाड़ी चला के, धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लेट हो गया, ये एक नया पुल बना है देखिए सामने, इधर से आप लेफ्ट जाएंगे तो भिवाड़ी पहुंच जाएंगे, रिको इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ के लिए है रिको। तो हर जगह छोटे छोटे इंडस्ट्री एरिया बना दिए इन्होंने, पहले होती थी बड़ी कंपनियाँ, यहाँ 4,000-5,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। छोटी छोटी कंपनी के मैनेजर, डिप्टी मैनेजर बना रखे हैं। तो ये देखिए अभी हम लोग पुल पार कर चुके हैं, अभी आएगा एक कंपनी होंडा, हीरो कंपनी आएगी, हीरो होंडा थी पहले, अब हीरो रह गई है, होंडा अलग हो गया, होंडा ने अपनी साझेदारी तोड़ के अपना नया अलग बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, जैसे घर परिवार में होता बंटवारा। पेंट की बदबू आ रही है बिल्कुल यहाँ पे, ऐसे पेंटिंग कर रहे हैं जैसे एनवायरनमेंट वाले भी आके देखते नहीं, इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे एनवायरनमेंट में।
आ गया दारूवाड़ा। ये देखिए दारूवाड़ा का पुल आने वाला है। ये वीडियो देखने का उन्हीं को मजा आएगा जो लोग ड्राइव वगैरह कर रहे हैं, चलाते हैं जो लोग। हम लोगों को जो लोग इंटरटेनमेंट वगैरह है तो अलग वीडियो देखते हैं, देख सकते हैं। इसमें तो सिर्फ आपको हाईवे हाईवे मिलेगा, नो मोर मस्ती ना कुछ, हाईवे मिलेगा आपको। ये दारूवाड़ा का पुल आ गया, बड़ा पुल है, इस पर आप चढ़ जाओ दारूवाड़ा पार ही उतारेगा आपको। ये देखिए एक छोटा सा है एक बड़ा सा उधर। दारूवाड़ा पुल पार के अब यहाँ से एक अभी तो हमारा टैंक फुल पड़ा नहीं तो दिखाता आपको। अब जैसे ही दारूवाड़ा का पुल पार करते ही थी 10 मीटर पे एक लेफ्ट कट है, 10 से 15 मीटर पे, वहाँ से आप लेफ्ट हो जाओ और पहला पेट्रोल मतलब सर्विस लाइन है जो भी कह सकते हो आप, वहाँ पहला पेट्रोल पंप उस पर लिखा भी है सरकारी पेट्रोल पंप, ठीक है। वहाँ से आप एक बार तेल भरा के आप जाइए, फिर देखो मज़ा। जैसे एक सिंपल दूध और बादाम वाला दूध इतना फ़र्क है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक झलक, बहुत नॉर्मल पेट्रोल पंप है, ज़्यादा तामझाम नहीं होती है। सामने बोर्ड दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये वही बोर्ड है। ये बोर्ड है लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है टूरिस्ट सरकारी पेट्रोल पंप, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ लिखा सरकारी, या ये लिखा इंडियन ऑयल के नाम पे है ये सरकारी। यहाँ पे आप पेट्रोल भरवाओ, देखिए मज़ा। फिर अब हम ये पार कर रहे हैं दारूवाड़ा पुल, पंप पुल पार कर लिया है, पेट्रोल पंप दिखा दिया आपको। अब दिखाते हैं टावर, ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप, शायद विपुल के टावर हैं, फ्लैट्स हैं उनके। और लेफ्ट साइड में देखिए फ्लैट कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है, रह जाके फ्लैट्स हैं, पड़े हुए सड़ रहे हैं। अच्छा ये एक नया बोर्ड भी दिख रहा है, कौन सा बोर्ड है भाई? है जी टावर, 300 मीटर पे यहाँ से। देखते हैं जी टावर में क्या भाई। ये लो जी, ये है जी टावर। तो पार हो गया हम लोग, ये देखिए पुल है एक, इधर से राइट टूंगे तो रेवाड़ी, हमेशा ही भीड़ रहती है यहाँ पे यार, पता नहीं क्या चक्कर है, क्योंकि सिंगल लाइन है पुल के अंदर। कुछ ना जैसे जॉइंट होता है ना जॉइंट, वहाँ पे कुछ मतलब गाड़ी को झटका सा लगता है शायद, इसलिए स्लो चलाते हैं लोग, और बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं।